मेरा नाम माधुरी लता कुशवाहा है। मैं संविलियन विद्यालय चंदेरू में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आपको पता है, अंग्रेज पहले व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपने अन्य क्षेत्रों में अधिकार जमाने शुरू कर दिए। फलस्वरूप 1857 की क्रांति हुई, लेकिन इस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए। अब भारत पर सीधा शासन इंग्लैंड के राजा और रानी का था। इस तरह से भारत अब पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में आ गया। धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे, हर तरफ से आजादी की आवाज सुनाई देने लगी। हमारे देश की आजादी की लड़ाई दो अलग अलग रास्तों से लड़ी गई है। एक था महात्मा गांधी द्वारा बताया गया शांति, अहिंसा और असहयोग का रास्ता, और दूसरा सर पर कफन बांधे हुए देश के दीवानों का गोलीबारी, बारूद और क्रांति का रास्ता। बच्चों, हमने भले ही आजादी की लड़ाई गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर जीती हो, लेकिन अपनी जान पर खेलकर आजादी दिलाने वालों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया है। इन्हीं नामों में से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद। बच्चों, मैं आज आपको स्वतंत्रता संग्राम के इसी प्रसिद्ध नायक चंद्रशेखर आजाद की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। बेहद कम उम्र में ही चंद्रशेखर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। बच्चों, चंद्रशेखर आजाद जब 14 वर्ष के थे तो वो बनारस गए। वहाँ उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से चंद्रशेखर बहुत अधिक प्रभावित थे। 1920 में जब असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने निर्भीकता के साथ जवाब दिया, आजाद। जज साहब ने फिर पूछा, पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आजाद। फिर जज साहब ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान क्या है? तब उन्होंने बताया, जेल घर। पता है, ऐसे बहादुर थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। बच्चों, उनके इन उत्तरों के पश्चात जज साहब ने उन्हें 12 कोड़ों की कठोर सजा दी। उस दिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को एक वचन दिया, मैं जीते जी कभी इन अंग्रेजों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं आजाद ही जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद को लगने लगा कि अहिंसा के रास्ते इन क्रूर अत्याचारी अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलना कठिन है। अतः उन्होंने देश की आजादी के लिए उग्र रास्ता अपना लिया। चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HRA से जुड़े। उनका मानना था कि सरकारी खजानों में जो भी धन जमा है वो हम भारतीयों का है और हम भारतीयों से ही लूटा गया है, अतः उस पर सिर्फ हम भारतीयों का ही हक होना चाहिए। इसी सोच को क्रियान्वित करते हुए उन्होंने सरकारी खजानों को लूटकर क्रांतिकारी संगठनों को मजबूत करना शुरू किया,
जिससे इन संगठनों के द्वारा आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा सके। पता है, जल्द ही क्रांतिकारियों के बीच में वो क्विक सिल्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्विक सिल्वर यानी पारा, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। बच्चों, उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी संगठनों को संगठित किया और सभी गतिविधियों का स्वयं नेतृत्व भी किया। इनमें से 1925 की काकोरी के निकट ट्रेन डकैती, लाहौर में सैंडोस का वध और असेंबली में बम फेंकना शामिल था। बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल, ये सब इनके साथी थे और इनका बहुत आदर सम्मान करते थे। इनमें से बहुत लड़ते लड़ते शहीद हुए और कुछ फांसी पर चढ़ा दिए गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़े नहीं गए। एक बार इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अपने एक साथी की गद्दारी के कारण इन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया, तब भी वो पूरी बहादुरी के साथ लड़ते रहे और जब उनके पास एक आखिरी गोली बची तो आजादी के इस दीवाने ने उसे अपने ही सिर पर मार लिया और अपना वचन निभाया जो उन्होंने अपने आप से किया था कि मैं कभी इन अंग्रेजों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं आजाद ही जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। बच्चों, जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, हमें भी आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।